यूनिफॉर्म में आना चाहिए। फाइनल निर्णय कोर्ट का आएगा, लेकिन अगर आप इंटरिम निर्णय देखें तो इंटरिम निर्णय में कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, और मैं समझता हूँ सभी ने कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार करना चाहिए और कोर्ट के निर्णय के हिसाब से इसका फैसला होना चाहिए। उनकी सरकार ने तो जब प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा नहीं रखी, उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया और प्रधानमंत्री जी के जीवन के ऊपर इतना बड़ा खतरा दे दिया, तो वो तो उन्हीं को जवाब देना चाहिए कि वो अपनी खुद की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो हमारे भाई बहनों का, पंजाब की जनता का क्या व्यवस्था करेंगे और कैसे सुरक्षा करेंगे। ये जीता जागता सबूत है कि चन्नी जी कितनी खराब प्रशासन चला रहे हैं पंजाब में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है, जब यहाँ पे विजेंद्र सिंगला थे, पर बनी नहीं है, अब बनेगी। इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि पंजाब की सरकार ने, पंजाब ने कभी भी उद्योग को सम्मान नहीं दिया, उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ आई वहाँ उद्योग फला है, फूला है, बड़ा है। आप जिस प्रदेश में देख लो, चाहे वो दक्षिण में कर्नाटक हो या गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पूरे पूर्वांचल को देख, पूर्वोत्तर को देख लीजिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आठों राज्यों में आज उद्योग तेज गति से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैंने आज स्पष्ट कहा है कि पंजाब में टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अगर यहाँ पे एक डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार आएगी, तो हम अवश्य टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग को, और मैं कपड़ा मंत्री होने के नाते ये विश्वास दिला सकता हूँ कि यहाँ की बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार डबल इंजन के रूप में मालवा रीजन में टेक्सटाइल को बड़ा प्रोत्साहन देने का काम। वो तो राज्य सरकार को देनी पड़ती है, तो राज्य सरकार के साथ यहाँ के उद्योग के जगत के लोग मिल के बात करेंगे। एक बार भाजपा की सरकार यहाँ पे शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद जरूर आप सबका स्वागत है, और आप कुलदीप जी लेके आना यहाँ से प्रस्ताव। आपने सात माफिया की बात की, सात माफिया की बात की, पर वो सात माफिया पर सभी पार्टियां चल रही हैं, आपने भी वही माफिया भी। हमारी पार्टी ने कभी भी ऐसी कोई माफिया का साथ नहीं दिया। भाजपा देश भर में प्रसिद्ध है कि जिस प्रदेश में हमारी पार्टी ने सरकार अपने हाथ में ली, वहाँ पे भू माफिया हो, क्रिमिनल्स हो, टेररिस्ट हो, हमने सबका सफाया किया है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने पूरे भू माफिया को, पूरे क्रिमिनल्स को जेल की सराखों के पीछे डाला। आज तो ये हाल है उत्तर प्रदेश में कि क्रिमिनल्स जेल के पीछे रहना चाहते हैं, बेल तक मांगते नहीं। ऐसी एक मजबूत सरकार भाजपा देने चाहिए। दावा कर रहे हो कि सरकार बनेगी, पर किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसान समझते हैं कि उनका उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी देगी, और मैं मेरे किसान भाई बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सुरक्षित भी होंगे, आप विकास भी करेंगे, आपके समस्याओं की समाधान करने का जिम्मेदारी मोदी जी और हम सब मिलकर निभाएंगे।